नमस्कार, देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल और इसी चैनल जी न्यूज पर बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। भोलेनाथ, महादेव, भगवान शंकर भारतीयों की आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। देश में उनके स्वयंभू प्राकृतिक रूपों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उन्हीं में से एक छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर को लेकर विवाद हो गया है। इस विवाद की वजह है असम सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञापन, जिसमें लिखा गया है असम के कामरूप में डाकिनी हिल्स पर महाशिवरात्रि के अवसर पर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पवित्र स्थान में आइए, आध्यात्मिकता में लीन हो जाइए। अभी तक छठे ज्योतिर्लिंग के पुणे में होने का दावा किया जाता रहा है और उसी की छठे ज्योतिर्लिंग के तौर पर देश में मान्यता भी है। इसी विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार राज्य की धार्मिक आस्था और भगवान को भी दूसरी जगह भेज देना चाहती है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीति के लिए धर्म और राज्यों के बीच दरार डाल रही है। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खजाने को छीनने में जुटी है। सवाल ये भी है कि आखिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर दो राज्यों ने दावा क्यों किया है। आखिर इस पूरे घमासान और विवाद के पीछे की वजह क्या है? क्या सियासत है या फिर पूरी तरह आस्था से जुड़ा हुआ मामला है? ऐसे ही सुलगते सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ ठोकेंगे ताल और आपको ये भी समझा दें कि इस बहस में हर एक पहलू को हम दिखाएंगे। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर मान्यता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं उसकी भी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भीमा शंकर को लेकर क्या मान्यताएं हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। आइए पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। असम के मुख्यमंत्री इस प्रकार के अगर विज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है? यही मुख्यमंत्री असम के मेहमान बनकर बैठे थे ना उधर, अपने 40 खोखे वाले विधायक को लेकर उनकी मेहमान नवाजी तो असम के मुख्यमंत्री ने की थी जी। तो क्या उसके बदले में ज्योतिर्लिंग उनको दे दिया क्या? हाँ, उसके बदले में महाराष्ट्र का जो ज्योतिर्लिंग है वो आसाम को दे दिया। देखिए, भगवान सबका होता है, इस राज्य का, इस देश का नहीं होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस प्रकार से बात करना ठीक नहीं है और यहाँ की सरकार चुप बैठी है। ये 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, 4-5 ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है ऐतिहासिक है। याच्यावरती आसामचा मुख्यमंत्री दावा करतो आणि महाराष्ट्र शांत बसतो, आपण आपली काही ताकद गमावून बसलोय की नाही? एकीकडे उद्योग आपल्या हातात जात आहेत, एकीकडे पाणी आपल्या हातात जात आहे, आता दुसरीकडे आपले श्रद्धास्थान इथे लाखो भाविक महाशिवरात्रीच्या रात्री किंवा सकाळी दर्शनाला जातात, हा श्रद्धेचा भाग आहे। ही श्रद्धा सुद्धा महाराष्ट्रात काढून घेऊन आसाम ला जाने से प्रयत्न किया। आज तक किसी ने ये जरूरत नहीं की। अब ये ईडी की सरकार है, ये गुजरात में एक के बाद एक प्रकल्प जो है वो गुजरात भेज रहे महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश या कल एमपी में भी जा सकते हैं। और एक दिन अगर यही सरकार रही, ईडी सरकार, तो एक दिन ऐसी भी नौबत आएगी कि कल कोई महाराष्ट्र को भी क्लेम कर लेगा कि महाराष्ट्र भी हमारा है। असम के मुख्यमंत्री इस प्रकार के अगर विज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है? उद्योग आपल्या हातात जात आहेत, एकीकडे पाणी आपल्या हातात जात आहे, हा श्रद्धेचा भाग आहे। ती श्रद्धा सुद्धा महाराष्ट्रात काढून घेऊन ती आसामला जाण्याचा प्रयत्न।
विपक्ष का काम ही है आरोप करना है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है अभी। तो क्या उसके बदले में ज्योतिर्लिंग उनको दे दिया क्या? फिर इस प्रकार से बात करना ठीक नहीं है और यहाँ की सरकार चुप बैठी। भीमा शंकर या हमारे अस्मिता, सालों से हम सब वहाँ दर्शन लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और एक दिन अगर यही सरकार रही ईडी सरकार तो एक दिन ऐसी भी नौबत आएगी कि कल कोई महाराष्ट्र को भी क्लेम कर लेगा कि महाराष्ट्र भी हमारा है। लिंग का ऊपर कोई कभी भी राजनीति नहीं करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग को लेकर मान्यता है, कि वो महाराष्ट्र में पुणे के पास है। अब यहाँ पर असम सरकार ने एक विज्ञापन निकाला है और ये कहा है कि ये ज्योतिर्लिंग जो है असम में है। असम का दावा है कि ये डाकिनी जगह पर है और डाकिनी पहाड़ी पर ज्योतिर्लिंग है, ये असम सरकार का विज्ञापन कहता है। इसी विज्ञापन पर विवाद है। अब चूंकि असम उसके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार को घेर रही है एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, तमाम लोग मिलकर घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भीमा शंकर जो पुणे में के पास स्थित है, उस जगह की सांस्कृतिक मान्यता को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी असम की मान्यता को बढ़ा रही है। विवाद क्या है? भगवान तो सबके होते हैं और ये तो भोले शंकर हैं, भोले माना जाता है इनको, और भगवान भोले शंकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं ये भी कहा जाता है, लेकिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है और इस पर विवाद क्यों हो रहा है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एनसीपी की वरिष्ठतम नेताओं में से एक सुप्रिया सुले जी जुड़ेंगी, जो कि शरद पवार की बेटी भी हैं और संसदीय दल जो एनसीपी का है उसकी नेता है, कई टर्म से लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ इस वक्त ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है। सुप्रिया जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे 1-to-1 बातचीत हम करेंगे। आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर मेरे साथ सत्य रंजन वोरा जी जुड़ गए हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं और असम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्ना सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखती हैं, ये भी असम से हैं। और थोड़ी देर में मेरे साथ शिवानी दुर्गा जी जुड़ेंगी, जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग इस मुद्दे को अननेसेसरीली इसलिए तूल दे रहे हैं क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार को घेरने का, आप हंस रहे हैं। दीपक भाई, अब उनके इस आरोप पर मैं क्या कहूं, क्योंकि ये तो मुद्दा उन्हीं लोगों ने पैदा किया है। आपने मेरे को तो इस समय, आपने जब बात की तो मुझे तो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ गया जिसमें वो कहता है कि सरदार मैंने तेरा नमक खाया है, तो वो कहता है तो गोली भी खा। तो यही हाल इस समय ये खोखर सरकार के साथ है। जब ये इनको सारे लोगों को लेकर वहां पहुंचे असम में, तो वहां जो पैसा खर्च हुआ, जो पूरी व्यवस्था हुई, अब उसका वो हिसाब मांग रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें तो हम क्या बोल रहे हैं। हमारा तो कहना बहुत स्पष्ट है कि जो एक पुरातत्व का जो एक बयान उनके खुद के डायरेक्टर का, उनकी डायरेक्टर है श्रीमती डीपी रेखा, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शिलालेख नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वो ज्योतिर्लिंग है। ये बात सच है कि वहां पर प्राचीन मंदिर है। अब जब वो अपने पुरातत्व विभाग की बात मानने को तैयार नहीं है, तो यहां की सरकार चुप होकर बैठी हुई है। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की तो आवाज ही नहीं निकल रही, तो इससे हमको लगता है कि ये धार्मिक जो मुद्दा है वो शायद नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मुद्दा इस बात का है कि जब हमने आपको आसाम में रखा, आसाम में आपके साथ हमने ये सब अरेंजमेंट किया, तो अब इसके एवज में आपको हमें ये देना पड़ेगा। इसकी ये मेरे को तो जो लगता है वो कुल मिला के ये लगता है। दूसरा आप देखिए, मतलब आप कह रहे हैं गिव एंड टेक है, पॉलिटिकल गिव एंड टेक है। आप कल्चरली जो है महाराष्ट्र के रिच हेरिटेज को असम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यही गिव एंड टेक है ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से, लेकिन ये कभी हो नहीं पाएगा,
क्योंकि महाराष्ट्र का जो हेरिटेज है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो इस चीज को कभी भी सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। आप देखिए, इसके पहले उन्होंने हमारे आस्था के जो केंद्र थे, छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, इनके ऊपर उन्होंने उंगलियां उठाई। इसके साथ ही साथ इसके पहले भी कर्नाटक से ही आवाज उठी थी हनुमान मंदिर को लेकर। उनका कहना था कि हनुमान की जन्मस्थली कर्नाटक में है, जबकि हकीकत यह कि वो महाराष्ट्र में। तो मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर कि वो सचमुच ही बता सके कि उनकी सरकार कर्मठता के साथ काम कर रही है। उनकी पूरी कोशिश ये कि कैसे भी करके हम इन मुद्दों को हटाएं। ठीक है, रत्ना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, असम से हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रत्ना जी, मेरा सीधा सवाल, ये पॉलिटिकल गिव एंड टेक है, इसलिए आप मुख्यमंत्री जी ने विज्ञापन दे दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ही एकनाथ शिंदे, उनके विधायकों को और देवेंद्र फडणवीस सबको होस्ट किया था, सबकी मेजबानी की थी। तो अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई भीमा शंकर तो महाराष्ट्र से लेके असम आप क्लेम करने लग गया है। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूंगी कि लेन देन का बात तो ये एनसीपी वगैरह ही कर सकते हैं, अपोजिशन की ये सब भाषा हो सकती है। लेन देन हम भगवान पे, आप लोग लेन देन तो आप ही कर सकते हैं, ये आपकी की पूरी तरह से विरासत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्योतिर्लिंग शिव पुराण और कोटि संहिता हिमंत बिश्व शर्मा ने नहीं बनाया। आज शिव पुराण में कामरूप का वर्णन है, कामरूपेश्वर का वर्णन है, दाक्षिणी पहाड़ का वर्णन है, भीमा शंकर का वर्णन है, और सदियों से यहाँ पे लोग इन्होंने पूजा कर रखा है। आज भीमा शंकर के नाम से उड़ीसा में भी है, कहीं नैनीताल में भी मिलते हैं, तो हमारे भारत में तो कण कण में शंकर है। और आज 10 दिन के लिए हम कोई पत्थर की पूजा करते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। भगवान के नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कोई मंदिर लेने जा रहा है। तो आज सदियों से मैं कहूंगी कि श्रीमंत शंकर देव जो हमारे गुरु हैं, हमारे पूज्य हैं असम के, उनके माँ पिताजी लोगों ने भी वहां से उनका सम्मान करके उनकी उपासना करने के बाद श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ और उसके उनका नाम शंकर रखा गया। तो ज्योतिर्लिंग जो आज भीमा शंकर है, सभी लोग पूजा करते आ रहे आज पहले से। हिमंत बिश्व शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान पर राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे कोई भी हो, भगवान के नाम पे हम राजनीति नहीं करते हैं। और असम के लोग, अरे महाराष्ट्र तो हमारे दिल में बसता है, मराठा तो हमारे दिल में बसता है, शिवाजी तो हम सर पे लेते हैं। जैसे लाचित बरफुकन हमारे हीरो है, हमारे लिए योद्धा है, वैसे शिवाजी हमारे लिए है। महाराष्ट्र हमारे दिल में है, मराठा हमारे दिल में है, मराठी हमारे दिल में है, पूरी भारत माता हमारे दिल में है। असमिया पूजा कर रहे हैं, बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये दाकिदी पहाड़ पे आज पूजा नहीं हुआ है, सदियों से पूजा हो रहा है और क्लेम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्रजमोहन जी से पूछ लेते हैं। ब्रजमोहन जी, सबसे पहली बात, बीजेपी कह रही हो भगवान पे तो राजनीति कर नहीं सकती, और हेमंत विश्व शर्मा में इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान भोले शंकर पर वो राजनीति कर रहे। उनका कहना है, रुद्र संहिता में लिखा हुआ है, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, और उनका ये भी कहना है कि भाई लेने देने की बात तो आप ही कर सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव है इसमें। देखिए, मैंने रत्ना बहन को सुना बहुत ध्यान से। हमारे देश में भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है जो ये तय करती है कि कौन किस स्थल को हम तीर्थ धार्मिक तीर्थ के लिए घोषणा करें, कि उनको तय करने दें। जब हमारे पास एक पूरी तौर से जिम्मेदार एक संस्था है महासभा के रूप में, तो उसको हम ये मौका दें। अब रत्ना बहन कहे आदरणीय, तो आपने राजनीतिक सवाल क्यों उठाया, उनको करने देते ना ब्रह्मोहन जी, उनको करने देते ना, फिर राजनीतिक सवाल क्यों इस पर। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि हम धर्म के मामले। अच्छा रत्ना जी रुक जाइए प्लीज, रत्ना जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त ब्रजमोहन जी भी दे रहे हैं, आपको भी मिल रहा है, और ब्रजमोहन जी ने आपको बिल्कुल बोलने दिया। दीपक जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये मुद्दा धार्मिक नहीं है, ये मुद्दा राजनीति है, और इस राजनीतिक मुद्दे में लेन देन हो रहा है, ये मैंने आरोप लगाया है, और इस आरोप को लगाने के लिए मेरे पास पूरी तौर से जानकारी है। आप देखिए कि अचानक आज असम से ये आवाज उठती है कि छठ पे ज्योतिर्लिंग वहां पर है। अगर ऐसी बात थी तो ये इसके पहले भी कभी आवाज उठ सकती थी, आज ही क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो पूरी तौर से सरकार चलाने में विफल हो गई है। अब आज कर्नाटक में भी यही मुद्दा आ रहा है, कर्नाटक से ये आवाज क्यों उठी कि हनुमान जी का जन्म स्थल महाराष्ट्र में नहीं है, नासिक में नहीं है। तो ये सारी बातें एक राजनीतिक परिदृश्य में हो रही है, तो इसका जवाब भी राजनीतिक रूप से दिया जाएगा। फिर जब हमारे पास एक संस्था है जो ये तय करती है कि हम किस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित करें, उसमें हमारे देश के विद्वान पंडित हैं, उसमें जानकार लोग हैं, तो उनकी उनसे हम बात करें, उनको उनको कहने दें
इस मामले में आदरणीय शर्मा जी को कहने की क्या जरूरत थी, जो इसके पहले पता नहीं जिन पे कितने आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ही लगाए थे, आज उनको वो मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस बात की कोई जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा है ना कि ये मूर्तियों को दूध ये पिला दें, कोई सी भी जगह पर धर्म स्थल पैदा कर दें, ये कलयुग की पार्टी है पूरी तौर से, और ये कलयुग के अंतर्गत ही सारा काम कर रहा है। ठीक है, कलयुग की पार्टी। अच्छा, एक शब्द आपने नया शब्द गढ़ लिया है भारतीय जनता पार्टी को उस पर राजनीतिक आरोप लगाने के लिए, कलयुग की पार्टी है। तो रत्ना जी, आप कलयुग की पार्टी की नेता है, और क्या जरूरत थी, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी जब 12 ज्योतिर्लिंगों में भीरवा शंकर पुणे का नाम आता है, आपकी मान्यता रहने देती, उसको ज्योतिर्लिंग के तौर पर फ्रंट पेज विज्ञापन देना, किसमें चाबी घुमाना चाहते थे हेमंत विश्व शर्मा जी, या किस गुब्बारे के अंदर ऑलपिन चुबाना चाहते थे? यहाँ पर कोई चाबी घुमाने वाली बात नहीं है। आप शिव पुराण को झुटला दीजिए, कोटि संहिता को झुटला दीजिए, और हेमंत विश्व शर्मा तो आज मुख्यमंत्री बने हैं। मैं तो कहूंगी कि प्रवक्ता एनसीपी वो गुवाहाटी आए, दाकिनी पहाड़ पे जाए और इतिहास पढ़े वहाँ पे। सैकड़ों सालों से वहाँ ज्योतिर्लिंग माना जा रहा है और शिव पुराण में लिखा गया है। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट, जो यहाँ पे हमें भी यही पता था कि ये ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग वहीं पर है। यहाँ पर झगड़ा तो आप लोगों ने शुरू किया है, अपोजिशन ने शुरू किया है, लेन देन की राजनीति, गंदी राजनीति। आप लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। और कलयुग की पार्टी, अरे भाई कलयुग की पार्टी तो कलयुग तो महान बोलते ना, कर्म वाला युग है कलयुग, जो कर्म करेगा वही कलयुग पे राज करेगा, और सही कर्म वाले के साथ ही कलयुग रहता है। आप लोगों ने क्या कर्म किया कि आपकी ये दुर्दशा हो गई है भाई, कि आप लोग अपना आईना देखने लायक नहीं रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, भगवान के ऊपर हम राजनीति नहीं करते हैं। कल को तो आप लोग के सारे अपोजिशन मिलकर श्री प्रभु राम पर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट के बदौलत आज राम जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर बन रहा है। आप लोग तो ऐसे लोग थे कि भगवान श्री राम को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। आप कलयुग की पार्टी करें, हम सब आंखों पर लेते हैं, क्योंकि कलयुग कर्म वाला युग है और हम कर्म करके दिखा रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग वाली जो झगड़े वाली बात है, हमारा कोई झगड़ा का मंशा नहीं है, हम द्वेष नहीं चाहते हैं, पूरा भारत एक है, सब भगवान हमारे लिए एक है। हम तो दूसरे के भगवान को भी अपना मानते हैं भाई, हम भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति लेके हम चलते हैं। लेकिन आप जैसे लोग, जो गंदे लोग हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, वो लोग समाज को बांटते हैं और समाज को बांटने के लिए अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो गई, आपका आधार खत्म हो गया, आपका बेस खत्म हो गया। तो शंकर को पकड़े, कल को आपने राम को पकड़ा था, आज शिव शंकर को पकड़े हैं। पर याद रखिएगा, शंकर जी से मत लजिएगा, शिव से मत लजिएगा। शिव बहुत तांडव करते हैं और आप लोगों के लिए दिन जो खतरा हो रखा है ना, और बुरा हो जाएगा। लेकिन कलयुग की पार्टी नहीं, हम कर्म वाली पार्टी है, कोई दोष नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हेमंत विश्व शर्मा ने जिन्हें किया है, यहाँ सदियों से, जब हम छोटे थे, शायद वो भी छोटे थे, और आज कई युगों से यहाँ ज्योतिर्लिंग की एक मान्यता है। उड़ीसा में भी है, नैनीताल में भी है, झगड़ा करिए आप हर जगह, लेकिन हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र हमारे आत्मा में बसता है, शिवाजी हमारे आत्मा में बसते हैं, और मराठी हमारे आत्मा में बसती है, जैसे पूरी भारत हमारे आत्मा में बसती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हम पूरे देश को लेके चलते हैं। लेकिन एनसीपी, कांग्रेस, आप लोग सब मिलकर भारत को बांटते हैं, लेन देन की बातें करते हैं। आज मतलब आज मुझे लग रहा है रत्ना जी के ऊपर, ब्रजमोहन जी मैं कमेंट करना चाहता हूँ, रत्ना जी पे वाकई भोले शंकर का वरदान है आज, बिल्कुल वो त्रिशूल त्रिशूल घुमा के आज पूरी बात कर रही है, त्रिशूल घुमा के बात कर रही है ब्रजमोहन जी। बहन को मेरी, मैंने कलयुग की पार्टी बोल दिया, वो बुरा लग गया बहन को मेरी, लेकिन ये कोश्यारी जी को भी बता देती, उनको शिवाजी के बारे में, सावित्री फुले चाहिए, हल्के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मेरे साथ दो और खास मेहमान है, सत्यरंजन वोरा जी, प्रमोद स्वामी जी, आनंद दुबे जी। लेकिन आनंद दुबे जी, भगवान शिव जिसके बहुत बड़े आनंद है, और उसी के नाम पर, भगवान भोले शंकर के नाम पर शिवसेना है, अब पहले विधायक चले गए, अब पार्टी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है कि शिवसेना असली किसकी है, इलेक्शन कमीशन में झगड़ा चल रहा है, अब तो भोले शंकर को असम वाले लिए जा रहे हैं असम से, क्या करेंगे आप, क्या होगा शिवसेना का, भगवान शिव की सेना का? और अब असम वाले कह रहे हैं कि शिवजी तो हमारे, शिवाजी तो हमारे हृदय में बसते हैं। ये सब इनका नकली खेल है। दीपक भाई देखिए, विषय को समझिए, विषय ये है कि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, 3 महाराष्ट्र में, 2 गुजरात में,
दो मध्य प्रदेश में, एक उत्तराखंड में, एक उत्तर प्रदेश में, एक झारखंड में, एक आंध्र प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यदि कल कोई उठ के कहे कि हमारे यहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं, तो ये तो उसके विवेक और बुद्धि पर हंसी आने वाली बात है। सबको पता है कि ज्योतिर्लिंग उन्हीं को माना जाता है जहां साक्षात शंकर भगवान प्रकट हुए हैं, लोगों को दर्शन दिए हैं, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, वही ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का जो इतिहास है अनादिकाल से है। जब कुंभकर्ण राम द्वारा मारे गए, असम का भी इतिहास अनादिकाल से है। उसने आनंद दुबे जी, नहीं नहीं सुनिए दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए दीपक जी, यहाँ बहस भीमा शंकर पर हो रही, मुझे पहले स्पष्ट कर देने दीजिए, देश की जनता सुन रही है आपके चैनल को। जब भीमा नाम के राक्षस ने कसम खाई कि मैं अपने पिता का बदला लूंगा और राम भगवान को जाकर युद्ध लड़ूंगा, तब जब शंकर भगवान को ये बात पता चलती है तो उन्होंने उसको युद्ध के लिए ललकारा, उसका वध किया। वहां की जनता ने और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि हे महादेव, आप यहीं पर प्रकट हो जाइए, यहीं दर्शन दीजिए। तब भीमा नदी के पास, सह्याद्री पर्वत के पास, महाराष्ट्र में पूना से 110 किलोमीटर दूर भीमा शंकर की स्थापना उस समय हुई। अब कल को कोई कहे कि असम में है, मणिपुर में है, राजस्थान में है या कोई भी जगह है, चलिए तो असम की कहानी आपको सुना देता हूं। क्योंकि देश की जनता, मैं असम की कहानी सुना देता हूं आपको, असम की पौराणिक कहानी। देखिए सर, हमारे यहाँ तो पत्थर पत्थर में शंकर है, हर पत्थर भगवान शंकर का है। बिल्कुल है, लेकिन क्या वो ज्योतिर्लिंग है? हमें तो कोई पत्थर नहीं जाता, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ। खैर, मैं आगे इसको समाप्त करूंगा, मैं आगे इसको समाप्त करूंगा, लेकिन असम की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर प्रमोद स्वामी जी के पास जाऊंगा। आप शिव पुराण के हवाले से इस कथा का जिक्र है, रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीम। भीम को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्मा जी से विजय होने का उसने वरदान मांगा। वरदान के बाद भीम अत्याचारी हुआ, युद्ध में भीम ने देवताओं को हराया। परास्त देवता भगवान शिव के पास गए, शिव ने राक्षस के संहार का भरोसा दिया, महादेव ने युद्ध में भीम को भस्म किया। भीम के वध के बाद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आज भी वहां पर विद्यमान है, ऐसा असम में डाकनी पहाड़ी पर हमारी पौराणिक कथाएं। और हमारे यहाँ तो हम 64 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है धर्म से ज्यादा राजनीति से जुड़ गया है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सब करते हैं, ये सबको पता है। यहां से मैं सीधे स्वामी जी के पास चलूंगा। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई असली कहानी तो महाराष्ट्र वाली है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे पहले मेरी बहन रत्ना ने भी कहा कि महाराष्ट्र भी हमारे दिल में बसता है, शिवाजी भी हमारे दिल में बसते हैं, और महाराष्ट्र भी भारत का अभिन्न अंग है और आसाम भी भारत का अभिन्न अंग है, तो झगड़ा क्यों, आज विज्ञापन क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महादेव के ऊपर में एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के पैदा की जा रही है, वो भी उन लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है जो राजनीतिक हताशा का शिकार होकर के राजनीति में जब हाशिए पे ढकेल दिए गए हैं तो वो ये मुद्दा लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई और दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो मित्र बोल रहे हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात तो उन्होंने स्वीकार की, बड़ी खुशी की बात है, कम से कम आपने ये तो माना कि 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओकार में अमरेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर, दाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतम नदी के तट पर तपेश्वर, चिताभूमि में वेदनाथ, चिताभूमि में वेदनाथ, दारूपन में नागेश्वर, शेष बंधु में रामेश्वर और शिवालय में घुमेश्वर। तो इस तरह से ये 12 लिंक है जहां में सौराष्ट्र का भी स्वीकार किया गया है और डाकनी में भीमशंकर भी स्वीकार किया गया है। अब रही बात ये हमारी आस्था की बात है, आसाम के करोड़ों लोगों की आस्था की बात है कि वो मानते हैं कि डाकनी में भीमशंकर है। अगर वहां भी किसी की आस्था का विषय है तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरे ख्याल से भगवान शंकर के नाम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ज्योतिर्लिंग जो है ये पुराणों में जो जिसका वर्णन किया गया है, शिव पुराण में जिसका वर्णन किया है,
कोटि रुद्र संहिता में जिसका वर्णन किया है उसके आधार पर असम सरकार ने यह बात कही है। अब इसमें राजनीति नहीं ढूंढ कर कर करके, हम सब शिव के भक्त हैं, हम सब महादेव की संतान हैं, और शिवसेना जिनका नाम ही शिव के ऊपर में है उनको तो कम से कम महादेव के नाम में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे भैया पहले ही आप लोग रामद्रोहियों के साथ हाथ मिला चुके हैं जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, और आज अब शिव का भी अगर प्रकोप अपने ऊपर ले लेंगे तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो आपकी जो मूल जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस हिंदुत्व की विचारधारा पे अडिग रहिए और शिव के नाम पे राम के नाम पर देश में मतभेद पैदा करने की कोशिश मत करिए। हम सब सनातनी हैं। बात आप हेमंत विश्व शर्मा जी को समझाते हैं ना प्रमोद स्वामी जी, वो विज्ञापन ही ना देते, आप अपनी मान्यता के साथ रहते, महाराष्ट्र अपनी मान्यता के साथ रहता, विज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं नहीं शिव, ये देखिए शिवरात्रि पर वहां एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो हेमंत विश्व शर्मा जी ने सिर्फ यही कहा है कि शिवरात्रि पर महायोजन किया जा रहा है, आइए हम सब मिलकर के धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व बनाए, इसमें क्या गलत है? और बाकी जो आनंद दुबे जी आपको जवाब देना चाहते हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना राम द्रोहियों के साथ मिल गई वो ये कह रहे हैं, ये राजनीतिक आरोप लगा रहे प्रमोद स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, और साथ ही साथ शिवानी दुर्गा जी और मैं पंडित जी से कहूंगा कि आप दोनों रेफरी हैं आज, प्लीज आप देखते रहिए कि क्या चल रहा है। चलिए भगवान के नाम पर भी तो दो पार्टियां दावा कर रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, भारतीय राजनीति के लिए ये अच्छी बात है कि इस पर भी अब दावे होने लगे, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। दीपक जी मुझे दुख तब होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता अगर राजनीतिक बयानबाजी करे तो समझ में आता है कि वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन स्वामी जी आप तो संत हैं, अरे वो आप स्वामी तो नहीं है, धर्म को जानते हैं, आप तो ग्रंथों को अब आप अपनी पार्टी की तरह इधर उधर मत भटकिए। अच्छा प्रमोद स्वामी, स्वामी उनका टाइटल है, मुझे दिख नहीं रहा है दीपक जी, मुझे दिख नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, मैंने तीन बार बोला। ओके 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 ठीक है दीपक जी, मुझे दिख नहीं रहा था, राम नंबर डायल कर रहे हैं पंडित जी, आपकी पार्टी रॉगी नंबर डायल कर रही है, इसने शुरुआत किसने की दीपक जी, इसमें शुरुआत किसने की, इसमें शुरुआत हमने नहीं की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दो तीन दिन पहले हेमंत विश्व शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाहिरात दी अखबार में, उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जो है वो असम में है, डाकिनी में है, आइए सब लोग यहां दर्शन करें, कोई बात नहीं सब वहां भी जाके दर्शन करें, लेकिन फिर हमारा भीमा शंकर कौन है, हमारे जो महाराष्ट्र पुणे के पास है वो भीमा शंकर इतिहास है, सबके आनंद हुए जी, कहां कंफ्यूज हो रहे हैं भगवान भोले शंकर सबके, दीपक जी फैसला सुना दीजिए, दीपक जी आप जज है, भगवान भोले शंकर के बारे में कोई फैसला सुना है तो बहस ही बंद हो जाए, औकात हो सकती है सर? जब हमें दुबे जी बताइए, भगवान भोले शंकर के बारे में कोई फैसला सुना है, ऐसी किसी की औकात हो सकती है? अरे तो फिर आप हमारी बात सुनिए ना, सुन रहा हमें भी बोलने का अवसर दीजिए, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो तीन ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में तीन ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक त्र्यंबकेश्वर, एक हमारे भीमा शंकर और एक घृष्णेश्वर, तो यदि अगर आप एक ज्योतिर्लिंग को असम में बताएंगे तब तो हमारे पास दो ही बचे, इसका मतलब आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, पुरातन सनातन का आप वो नहीं कर रहे हैं उपहास, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, शंकर तो कण कण में बसे हैं, पूरे पृथ्वी पर है, भारत में ही नहीं अमेरिका में भी है, लंदन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसका मतलब क्या वहां भी ज्योतिर्लिंग है? नहीं, जहां ज्योतिर्लिंग है, जैसे चार धाम, कुछ लोग कहते हैं यमुनोत्री गंगोत्री, लेकिन चार धाम आपको भी पता है कि चार धाम के बद्रीनाथ और द्वारिका और रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, तो समझने का फेर है। हम यही समझाना चाहते हैं अपने भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके समर्थकों को, हे प्रभु आप ये समझिए तो पहले कि ज्योतिर्लिंग किन्हें कहते हैं, चार धाम किन्हें कहते हैं, बस खाली नेतागिरी करनी है, कुछ भी मुंह से बोल दिया, कोई भी जाहिरात दे दिया, देश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि बताइए महंगाई, विकास, रोजगार अब सब साइड में हो गया, अब चर्चा होने लगी ज्योतिर्लिंग का है, तो हमें दुख तब होता है। दीपक भाई आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, हम लोग बचपन से आपको सुनते आए हैं। क्यों बुड्ढा कर रहे हैं मुझे दुबे जी, बचपन से आप मुझे सुन रहे हैं, अरे इतनी उम्र नहीं हुई महाराज जी मेरी। चलिए आगे मतलब चलते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आपको बता दूं, और उन्हें नाइसर नोट में सबको कहना चाहता हूं कि कई सारे ज्योतिर्लिंग है जिनके बारे में अलग अलग मान्यता है, भीमा शंकर के बारे में भी कई मान्यता है, उसके आगे बैजनाथ धाम के बारे में कई मान्यता है कि महाराष्ट्र के बीड में है, कि हिमाचल के कुल्लू में है, कि झारखंड के देवघर में है,
उसी तरह से नागेश्वर गुजरात के बारे में भी कई धारणाएं हैं कि ये द्वारका में है या फिर महाराष्ट्र के नागनाथ नागेश्वर मंदिर में है या उत्तराखंड के जागेश्वर में है। इसके अलावा ओमकारेश्वर के अंदर दो अलग अलग शिवलिंग है, दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये तो ममलेश्वर है ओमकारेश्वर के अंदर। और इसके अलावा जो हम महाराष्ट्र की बात करें घृणेश्वर, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह सवाई माधोपुर के शिवाड़ में भी है। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पर राजनीति हो गई हो रही है इसीलिए मैंने इसको बहस के लिए चुना है। रत्ना सिंह जी पंडित दुबे जी की बात का जवाब देना चाहती है। रत्ना सिंह जी, अगर इस पर राजनीति नहीं होती तो बेहतर नहीं होता? राजनीति तो हम नहीं कर रहे, राजनीति तो आज देखिए, आज मैं पूछना चाहूंगी आनंद दुबे जी से कि आप शिव पुराण मानते हैं ना, क्या कहेंगे? मानते हैं दुबे जी शिव पुराण? जी बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल। अरे कमाल करते हैं आप, कौन कहेगा कि नहीं मानता हूँ। सुनिए सुनिए, अच्छा शिव पुराण तो आपने नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी, हिमंत बिस्व शर्मा ने नहीं लिखी, मोदी जी ने नहीं लिखी, ना तो आपके एनसीपी के लोगों ने लिखी। शिव पुराण तो कलियों सदियों से चली आ रही है और उसके पुराण में वर्णन है, पढ़ लीजिएगा, कोटि संहिता में वर्णन है, कामरूपेश्वर का वर्णन है, डाकिनी पहाड़ का वर्णन है और उसी तरह से सदियों से यहाँ पे पूजा अर्चना चली आ रही है। तो हम ज्योतिर्लिंग नहीं बना रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जितने ज्योतिर्लिंग है उन सबको मैं यहाँ से प्रणाम जनाती हूँ, माँ कामाख्या की भूमि से उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम किसी की ज्योतिर्लिंग छीनना चाहेंगे, लेकिन यहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है और जो विशेषज्ञ है वो लोग इसका निर्धारण करेंगे, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट कचहरी, वो लोग निर्धारण करेंगे, हम क्यों राजनीति कहते हैं। लेकिन यहाँ सदियों से ज्योतिर्लिंग छठा जो ज्योतिर्लिंग है उसी हिसाब से पूजा अर्चना चली आ रही है। हम लोग तो बचपन से, चौरसिया जी आपको मैं लाइटर नोट पे छना चाहूंगी, तो हम लोग तो बचपन से ये भी सुने हैं कि कहीं एक और हमारी शिवलिंग है, बहुत सालों से वहां पे कहीं शिवलिंग है, मैं बताना नहीं चाहूंगी, अपने भारत में नहीं, कहीं मिडिल ईस्ट में कहीं है, उसमें भी कहीं शिव जी छुपे हुए हैं। तो बचपन से हम लोग ये सब सुनते आए हैं कि कहीं कहीं है, लेकिन कहना चाहूंगी कि आज असम में जो ज्योतिर्लिंग है उसको हमने अपने इतिहास के हिसाब से हमने नहीं बनाया है, वो कलियों सदियों से बहुत युगों से चली आ रही है, जिसको दुबे जी भी शिवपुराण मानेंगे, हम भी शिवपुराण को मानते आ रहे हैं, हर कोई मान रहा वहां वर्णन है और उसी के हिसाब से यहाँ पूजा अर्चना चली आ रही है और सदियों से यहाँ के लोग उसको मान रहे हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग को चिन्ह नहीं चाहते, लेकिन लेकिन रत्ना जी, रत्ना जी, कई कई हिंदू धर्म की ऐसी किताबें हैं जैसे वृहद रत्नाकर स्रोत और हिंदुओं का जो इतिहास लिखा गया, द्वादश ज्योतिर्लिंग का इतिहास लिखा गया, उसमें भी ये है कि महाराष्ट्र के भीमाशंकर में ही है। चलिए मैं सीधे बोरा जी के पास चलता हूँ और एक कमेंट शिवानी दुर्गा जी से लेता हूँ, दोनों के पास जाऊंगा मैं और दोनों के आधारों को मैं बताऊंगा। लेकिन राजनीति हो रही है भगवान भोले शंकर पर नहीं कहूंगा मैं कि उनका वो कहां पर स्थित है, मेरे ख्याल से भगवान कण कण के अंदर है और भारत में इस बात की मान्यता है। सत्यरंजन वोरा जी, जो आज ये असम सरकार का विज्ञापन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और महाराष्ट्र के दावे में आप क्या कहेंगे धार्मिक तौर पर? मैं तो दोनों सरकारों को, जितना भी राजनीतिक लोग है यहाँ पे बैठे हुए है, सभी को मैं पहले धन्यवाद करूंगा, इसीलिए ताकि भले ही ये सतवा हो या बारवा हो, मैं तो कहूंगा कि तेरवा हो जाए तो क्या समस्या है, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग तो अभी हम मानते थे, और एक हो गया है, तेरवा हो गया है तो क्या प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहूंगा कि इस बातों पे सरसा तो हुआ, जो सरसा हो रहा है, एक जो है कोई बोल रहा है पुणे में है, महाराष्ट्र में है, और कोई बोल रहा है असम में है, जो असम में है उसी पुराण में उसका उल्लेख भी है। मैं ये भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि असम पूरा सनातन सत्ता के साथ, मेरा खुशी की बात ये है कि असम से हूँ, इसीलिए पहले से ये माना जाता था कि असम भारत से अलग है, असम में जो लोग रहते थे वो लोग कुछ अलग टाइप का है, ये लोग पूरा भारत की जो जियोग्राफी है उसके साथ सिक्के नेक के द्वारा कनेक्टेड है। लेकिन आज का ये जो विषय आपने लिया है दीपक जी, मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि असम आपका तब से, जब से भारत है तब से असम पूरा भारत की भूमि के साथ संस्कृति के द्वारा हो, पौराणिक कथाओं के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं, हम एक है। तो मैं इस विवाद पे नहीं आऊंगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर ये है या नहीं है, मैं तो यही कहूंगा सनातन के साथ हम तब से जुड़े हुए हैं, हम भारत से हैं, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, असम में हो, कहीं पे भी हो, ये शिव तो है, हम है, हम है शिव, है शिव है तो हम है। और मैं ये भी बता दूं आपको, वाल्मीकि जी भी यहाँ पे आए हुए थे जो असम में, उसका
प्रमाण भी है। असम की उदालगुड़ी जिले में यहाँ पे वाल्मीकि जी आए हुए थे, तो ये भी अभी मुझे ये मौका मिला, इसीलिए आप लोगों को सामने बहुत अच्छी बात की वोरा जी आपने, बहुत सुंदर बात की, बहुत सुंदर बात की असम के लोगों के बारे में। और हम तो मानते हैं कि पौराणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, चेतना के तौर पर हमने बर्फुकन जी की कहानी सुनी, कितने बड़े योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को हराया था बर्फुकन साहब की, और अभी अभी हमने उनकी जन्मशती मनाई। देखिए किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और चाहे असम हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, कोई चिकन नेक नहीं है, सब हमारे भाई हैं, हमारे लिए जो गर्दन जो गर्व से ऊंची करते हैं वो है असम के लोग। मैं सीधे साध्वी शिवानी दुर्गा जी के पास जाऊंगा। शिवानी दुर्गा जी, जी शिवानी दुर्गा जी, एक जमाने में भारत के अंदर जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो कहा जाता था धर्म निरपेक्ष राजनीति की जाए, धर्म से वो निरपेक्ष हो, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया जाए। आज भगवान भोले शंकर का एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है, इस पर महाराष्ट्र और असम दोनों जो है आपस में थोड़ा हीटेड एक्सचेंज हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? आप सभी को हर हर महादेव। मैं एक स्तोत्र पढ़ूंगी, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमपत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंदे च रामेशम घुष्मेशम तुषिबालये। तो ये जो है शिव पुराण मेरे हाथ में है, मैं इसीलिए आज इसे लेकर के बैठी कि हम प्रमाण कई बार मांगते हैं। तो यहाँ पर आपने इस स्तोत्र में सुना होगा कि डाकिन्या भीम शंकरम, ये उल्लेख है और ये शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा हुआ है। हाँ, साथ में ये भी लिखा है कि और तीन अलग अलग तरीके से इसे बताया गया है कि एक और जगह पर भी भीमाशंकर हैं, उनको भी माना जाता है, और एक जगह पर ऐसे भारत में तीन स्थानों पर भीमाशंकर का जिक्र है, पर स्तोत्र के अनुसार डाकिन्या भीमशंकरम कहा गया और वो डाकिनी पहाड़ी जो है वो आसाम में है। तो ये मेरा शास्त्रोक्त जो मैं उत्तर देना था मुझे वो मैंने आपको दिया। रही बात राजनीति की, हम साधु समाज के लोग हैं, राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी ये हो रहा है गलत हो रहा है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अभी होने लगा है। थोड़े दिन पहले रामायण को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के हुआ, आज जो है भगवान शिव को लेकर के ये झगड़ा किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि आसाम में हो या महाराष्ट्र में, भगवान शिव सबके कल्याण के लिए हैं, वो कल्याण करने, उन्हें ज्योति रूप कहा गया है, वो ज्योति का पुंज है, जहां भी वो रहेंगे वहां पर ज्योति होगी। और ज्योति यानी जब हम ज्योति ज्योतिर्लिंगों पर जाते हैं तो मतलब ज्योति मतलब ज्ञान, तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां जाकर। हम जब भगवान शिव के सामने, उस ज्योतिर्लिंग के सामने प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, तो हम वहां से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वो ज्ञान मोक्ष का कारण बनता है। जब हम शक्ति पीठों पर जाते हैं तो हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं ताकि इस संसार में संचरण कर सके, वहन कर सके। तो ये झगड़ा मुझे नहीं लगता कि वैलिड है, किसी को भी इस पर कटाक्ष करना चाहिए, हमें शास्त्रोक्त चलना चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी एक हमारे एनसीपी के शायद नेता बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो है साधु संत या फिर जो एक कमेटी बनी हुई है ब्राह्मणों की, वो इस बारे में निर्णय लेगी। बिल्कुल ये निर्णय वो ले, लेकिन मेरा यही कहना है कि ये शास्त्रोक्त तो यही है कि डाकिन पर्वत जो है वो असम में है और वहीं पर जो है मेन भीमा शंकर है। ठीक है, आप शिवानी दुर्गा जी, मैं इस सवाल पर भी आऊंगा कि आखिर ये झगड़ा इस वक्त क्यों, इसका क्या कारण है? राजनीति अलग रखे हैं हम, लेकिन इसके पीछे के आर्थिक कारण क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आगे, क्योंकि एक 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 नया परिदृश्य भारत के अंदर जो है हाल ही के दिनों में तीर्थाटन को लेकर बना है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रत्ना जी यहां पर जोड़ना चाहती है, रत्ना जी विज्ञापन देने की जरूरत नहीं थी, जो मानते हैं, मैं अगर असम आऊंगा तो डकिनी पर्वत भी जाऊंगा, वहां पे भी प्रणाम करूंगा, पुणे जाऊंगा तो भगवान भीमाशंकर को भी प्रणाम करूंगा, दिक्कत क्या है, विज्ञापन की क्या जरूरत थी? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो विज्ञापन बहुत दिनों से भी छोटे छोटे पर्चे में निकलती रहती थी, ये तो ऐसी बात नहीं है कि हम क्लेम करें, विज्ञापन से क्लेम हो जाएगा।
आज पूजा तो अर्चना हर जगह हो रही है, पुणे में भी हो रही है, यहाँ भी होती है, और जहाँ उड़ीसा में भी भीमा शंकर है वहां भी होती है। चौरसिया जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे मन में आ रहा है, आज सनातन के ऊपर में, शंकर जी शिव के ऊपर में इनका बड़ा चिंता लग गया। आज यही एनसीपी थी ना, एनसीपी कह रहे शिवसेना थी जिनके साथ इनकी गठबंधन थी, और हमारे सनातन धर्म के साधुओं पे पालघर पर मार मार के उनकी हत्या कर दी गई। तब कहां थे ये लोग? आज कहने का मौका दीजिए धर्म के नाम पे। मैं बिल्कुल आइए, और मैं चाहूंगी चौरसिया जी, आज भगवान के ऊपर राजनीति मत करिए, डेवलपमेंट पर राजनीति करिए। आइए नॉर्थ ईस्ट में, आइए असम में, मैं चाहूँ तो टिकट भेज दूंगी आप पर। मैं शिवसेना जी और एनसीपी दोनों को कहना चाहूंगी, यदि मैं अपने पर्सनल बेसिस पे आपको बुलाती हूँ, आइए नॉर्थ ईस्ट में, आइए असम में, आइए एक रात गुजारिए। ना यहाँ बम विस्फोट का आवाज मिलेगा, ना ग्रेनेड ब्लास्ट का आवाज मिलेगा, यहाँ शांति है, प्रियता से लोग रह रहे हैं। आज मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, हर जगह के लोग, मेघालय, त्रिपुरा, आज इलेक्शन खत्म हो रही है, शांति प्रिय तरीके से इलेक्शन हो रही है। पहले के जो आपके दोस्त मित्र वाले जो लोग शासन में थे यहाँ ना, वहाँ पे आए दिन बम फूटता था। आज डेवलपमेंट की राजनीति करिए, शांति की राजनीति करिए। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। और सत्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम में शांति, पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति, नेडा के कन्वेनर है वो, पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति है। और आप लोगों ने तो महाराष्ट्र में सनातन धर्म पे जो वो प्यारे बेचारे साधु थे, तड़पते रह गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उनको आपने मारा। आंखों से आंसू निकल जाती, वो दो चेहरे भूलती नहीं हूं मैं। आप लोगों ने वो दिन दिखाया था सनातन धर्म को, आपका तो हक भी नहीं बनता है किसी पर राजनीति करे। महाराष्ट्र पहले भी कही हूँ, हर एक हमारे दिल में बसते हैं। मैं सीधे ब्रजमोहन जी के पास चलता हूँ। ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी की सरकार थी तब, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख जी थे वो कई केसेस में फंसे हुए हैं, जेल में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर अभी तक जमानत ना हो गई हो तो। दूसरा, हाई कोर्ट ने ईडी की बहुत लताड़ लगाई, ठीक है, जमानत हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इनका कहना है कि पाल घर में जब आप साधु संतों को नहीं बचा पाए तो अबे दो राजनीति करके दावा ठोक रहे हैं, ये सवाल है रत्ना जी का, जितना मैं समझ पाया उसके हिसाब से क्या कहेंगे? रत्ना बहन को मैं बता दूं कि पिछले 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अभी तक 65 से ज्यादा साधुओं की हत्या की गई है, जिसमें से आज तक एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कर्नाटक के अंदर जहां पर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 9 लोगों को मारा गया, साधु संतों को, आज तक उनमें से एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं पालघर में जैसी ये घटना घटी है, आपका सोर्स बताइए, आपका सोर्स बताइए, ये आंकड़ा आप नेशनल टीवी पे आप बता रहे हैं, आपका सोर्स बताइए, ये आंकड़ों का सोर्स बताइए, डाटा कहाँ से ले आए हैं बताइए, अभी बताइए, आपको बताना पड़ेगा नेशनल टीवी पे कहाँ से डाटा ले आए हैं। कोई साधु संतों की हत्या नहीं हो रही है, पालघर की हत्या तो पूरे विश्व ने देखी थी, पालघर की हत्या तो पूरे विश्व ने देखी थी। आंकड़ा लेकर गुमराह मत करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय पालघर में घटना घटी वहाँ पर 81 लोगों का पुलिस का स्टाफ था, 81 लोगों को मारा गया, वहाँ से लोग करते अच्छा। रत्ना जी उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, अगर दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे या रत्ना जी आप चिल्लाएंगी तो आपकी आवाज भी कट जाएगी। ब्रजमोहन जी भी थोड़ा पास आके बोल रहे थे माइक से, तो आवाज कट रही थी। ब्रजमोहन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं रत्ना जी को कहूंगा थोड़ी देर बाद बोले, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय पालघर में यह घटना घटती है वहां पर 81 लोगों का स्टाफ था, 81 लोगों का तत्काल तबादला किया गया, इंक्लूडिंग वहां के पुलिस एसपी के साथ, और वहां पे 6 लोगों को सस्पेंड किया गया, 831 लोगों का इंटोगेशन किया पुलिस ने, उनमें से 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 148 लोगों में से आज भी 21 लोग जेल के अंदर है। जो कानून, जो सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार ने किया, उन ये बात सच है, उन संतों के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर जगह तो पुलिस उपस्थित नहीं हो सकती, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये बहन मेरे से पूछ रही है, मैं इनको आंकड़े दे दूंगा, कल आप इसी पे बहस कर लीजिए, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को लेके जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ बिल्कुल गलत नहीं है। क्या हुआ वहां पर, क्यों नहीं इनको दिखती हत्याएं, वहां पर साधु संत नहीं है क्या? खाली ये 2 पालघर में जो लोग गए थे ये इनके लिए साधु संत है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई साधु संत की हत्या हो जाती है वो इनके लिए साधु संत नहीं है, कर्नाटक में अगर हत्या हो जाती है वो इनके लिए साधु संत नहीं है। मेरा कहना यह कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिलेक्टिव कैरेक्टर है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। जहां जो सच है वो बात होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के इस विकास से इनको तकलीफ इतनी क्यों हुई? अभी तक तो ये खाली लोकतंत्र का अपहरण करते थे,
अब मंदिरों के अपहरण पे भी निकल आई भारतीय जनता पार्टी। अफसोस की बात है, सोचना चाहिए इस मुद्दे पे। फिर जब हमारे पास एक संस्था है जो इस बात को तय करती है कि किस स्थल को हम धार्मिक स्थल के रूप में घोषित करें, उसको मानने को क्यों नहीं तैयार है ये? आदरणीय विश्व शर्मा साहब ने उस मुद्दे पे उनसे बातचीत क्यों नहीं की? भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ये पूरी तौर से एक रिकॉग्नाइज महासभा है जो ये तय करती है कि कहां पर कौन सा मंदिर होना चाहिए, कौन किसको हम धार्मिक स्थल घोषित करें। क्या विश्व शर्मा साहब को ये बात नहीं मालूम? क्या रत्ना बहन को ये बात नहीं मालूम? ये साधु संतों की बात करने वाली पार्टी, भगवान राम के नाम पे बात करने वाली पार्टी अगर इतनी जानकारी नहीं रखती है तो इससे ज्यादा अफसोसजनक चेहरा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, मैं सीधे रत्ना जी के पास चलता हूँ। रत्ना जी, उनका कहना है कि 81 लोग थे पुलिस वाले, उनको भेजा गया वहां पर, लोगों पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद कई लोग जेल के अंदर है, ये कहना है रत्ना जी ब्रजमोहन जी का पालघर वाले मुद्दे पर। नहीं, ये लोग जब अपने साथ इनकी जब घटती है ना तो ये बड़े अच्छे से सफाई दे देते कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती है। अरे पालघर में हुआ ही क्यों? आप तो इतना निष्पक्ष दिखाते हैं कि सनातन धर्म के साथ आप हैं, तो पालघर में घटना घटी ही क्यों? क्यों घटने दिया आपने? और तब पुलिस की बात करते, चलिए मैं मानती हूँ, और बाकी आपने जो डाटा दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उनको प्रूव करिएगा। हम लोग पूरी तरह से माना जा सकता था, उनको लोगों ने वहां पे बंद कर दिया, वो जो सब इंस्पेक्टर उसी टांग तोड़ दी गई। कहते हैं कि वो 6 महीने तक अस्पताल में रहा, उसके लिए आपके दिल में कभी बात नहीं आई? जो जो उनके साथ ड्राइवर था जिसकी हत्या हुई है, उसके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं गया संवेदना व्यक्त करने के लिए? क्योंकि साधुओं पे प्रश्न उठाना आपको आपकी राजनीति के लिए आपको पूरा उन्होंने बोलने का मौका दिया, आप भी दीजिए। रत्ना जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर ब्रजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा। रत्ना जी, मैंने तो पहले भी कहा कि जब इनकी राजनीति होती है तो इनका बहुत सारा सफाई देते हैं कि पुलिस कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, पर हुआ ही क्यों पालघर? सेकेंडली, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की विकास से हम जलते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत का विकास कर रही है, जम्मू से लेकर केरल, गुजरात से लेकर मिजोरम, हर एक हमारा अपना है। और महाराष्ट्र में यदि उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगी, तो असम के लोगों को बहुत ज्यादा मन में सम्मान मिलेगा और अच्छा लगेगा। यदि असम के लोगों की डेवलपमेंट होती है तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में बैठे हर एक मराठी, हर एक मराठा वो गर्व करेगा कि असम के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। ये लोग, ये एनसीपी और आपकी शिवसेना जो लोग हैं, जो बटे हुए लोग हैं, यही लोग राजनीति करते हैं, जलते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग राजनीति करते हैं तो डेवलपमेंट की राजनीति करिए। इस पुराण में लिखा था, इसलिए वो बात हुई है। ठीक है, एक मिनट, दोनों रुक जाइए। दोनों ने बराबर से एक दूसरे को जवाब दे लिया है, मुझे दूसरों को भी मौका देने दीजिए। आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे हैं, प्रमोद स्वामी जी हाथ उठा रहे हैं। क्योंकि रत्ना जी ने खत्म किया था, इसलिए आनंद दुबे जी मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, वो कह रही कि अभी तो शिवसेना बात कर रही है, पालघर के टाइम पे तो आपके सब नेताओं के मुंह पर ताला लगा था। दीपक जी, किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा था। किसी भी साधु संत की हत्या आदि किसी राज्य में होती है तो वहां की सरकार का दायित्व है कि आरोपियों को पकड़े, उन्हें सजा दिलाए। ठीक इसी प्रकार उस समय हमने किया था, और कई लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। दीपक जी, अगर कहीं मॉब लिंचिंग की घटना घटती है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, यही सरकार का काम होता है। हमने उस समय बखूबी ये काम निभाया। आज अब आपकी बहस पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि कण कण में शंकर है, तो हमारे असम में भी शंकर जी हैं। ठीक है, यही बात हमारे महाराष्ट्र में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहीं नहीं कहा। ये बात मैं कह रहा हूं दीपक जी मेरी बात पहले गजब पार्टी आपकी आनंद जी अपने गोल में बॉल मार रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी एक भी बार ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भीमा शंकर महाराष्ट्र में ही है, हमारी धार्मिक भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है? जिस प्रकार वो जाहिरात कर रहे हैं, यहाँ की सरकारें भी जाहिरात करें कि आइए महाशिवरात्रि पर, आइए भीमा शंकर में, क्योंकि इनका नाम मोटेश्वर भगवान भी है, क्योंकि इनकी इनकी जो साइज है वो बाकी ज्योतिर्लिंग से मोटी है, मोटेश्वर भगवान भी कहा जाता है। और हमारे देवी देवताओं का अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता
पार्टी को अपने आप को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो इनका पुरातत्व विभाग है, जो केंद्र सरकार है, वो फैसला सुनाए, वो अपनी टिप्पणी दे कि भीमा शंकर असली कहाँ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में शंकर भगवान है, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति भी कुछ मायने रखती है, हमारे दर्शन, हमारे जो प्रभु के प्रति हमारी जो भावना है वो भी कुछ मायने रखती है। उस पर कोई ठेस करेगा तो हम ये राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे दीपक भाई। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करनी में अंतर है ये भी देश अब देख रहा है। ठीक है, कथनी करनी में अंतर है। रत्ना जी रुकिए, मुझे प्रमोद स्वामी जी के पास जाना है। प्रमोद जी बताइए, कथनी और करनी में अंतर है? आप इनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ में हमारे जो विरोधी जो हमारी बात से सहमत नहीं है, लोकतंत्र में कोई विरोधी नहीं होता, सहमति और असहमति होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी सत्यरंजन बोरा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि हम सब शिव के भक्त है और हम सब सनातनी है। अरे भाई, ज्योतिर्लिंग अगर 12 है तो 13 भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और हमारी बहन जो है शिवानी दुर्गा जी ने बिल्कुल शिव पुराण के जो श्लोक है उसका वर्णन करते हुए कह दिया कि डाकनी में भी भीमशंकर है जो आसाम में है, डाकनी पर्वत जो है आसाम में है। अब ये बहस का मुद्दा नहीं है। अगर इसको कोई राजनीति का मुद्दा बनाना चाहे अपनी राजनीतिक हताशा से हताश होके तो अलग बात है। ये इतनी तो बात है कि ठीक है, आपकी आस्था वहां है, हमारी आस्था है, बाकी साधु संत शंकराचार्य जो है वो लोग तय करे कि ज्योतिर्लिंग है या नहीं है, या 12 है तो 13 करने में क्या आपत्ति है। लेकिन मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि अभी ब्रिजमोहन जी कह रहे थे कि हमारे समय में विकास हुआ। अरे भाई, आपके समय का विकास लोगों ने देखा, सिर्फ बंबई से करोड़ों रुपए की उगाही हो रही थी। ये तो सारी बातें टीवी चैनलों में बहस हुई। वो क्या ऑर्डर को पढ़ लीजिए, किस ढंग से ईडी को, किस ढंग से सीबीआई को लता रहा है अपने ऑर्डर में। ब्रिजमोहन भाई आप बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैंने अच्छा ब्रिजमोहन जी उनकी बात खत्म कर ले दीजिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। प्रमोद जी, कास्ट के ऊपर में बहस हो, अन्य मुद्दों पे बहस हो, लेकिन ये जो आस्था का मुद्दा है, कुछ लोगों की आस्था यहाँ पर है, आसाम के लोगों की आस्था आसाम यहाँ पर है, और इसके अलावा भी हमारी शिवानी बहन ने बिल्कुल इसका शिव पुराण के श्लोक का भी वर्णन कर दिया जिसमें भीमा शंकर डाकनी में भीमा शंकर की बात कही गई हुई है। तो हमारे शंकराचार्य है, हमारे विद्वान लोग हैं, वो तय करे कि ज्योति शंकर कहाँ है क्या नहीं है। लेकिन इसमें विवाद क्या, अगर किसी की आस्था वहां है वहां जाके पूजा करें, यहाँ आस्था है यहाँ पूजा करेंगे। और मैं तो खुशी है, मैं तो खुद जाकर के महाराष्ट्र में जाकर के जहां आप बता रहे हैं वहां पे भी मुझे को पूजा अर्चना करने में क्या आपत्ति है। और आप लोग भी आए आसाम में, आपका स्वागत है। अरे शिव की पूजा है, जितनी ज्यादा हो ठीक है, बड़ा है। ठीक है, हम मूल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ब्रजमोहन जी ने साफ कर दिया कि जो आरोप लगे थे वसूली या जो बातें प्रमोद जी ने कही उस पर ईडी ऑलरेडी फटकार लगा चुकी है और समय समय पर सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना रुख साफ किया है। हम मूल मुद्दे पर ही रहते हैं, असम के मुद्दे पर रहते हैं, जो नया विवाद खड़ा हुआ है उस मुद्दे पर रहते हैं। लेकिन शिवानी दुर्गा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसके पीछे हर राज्य चाहता है कि उसके अधिक से अधिक तीर्थाटन हो, या जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, एक शब्द रिलीजियस टूरिज्म। और आज हमने देखा है कि कई सारे नए टूरिस्ट के ऐसे क्षेत्र डेवलप हो चुके हैं जो मंदिरों के आधार पर, जहां पर हमारे यहाँ सदियों से अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन आज कई नए ऐसे जगह डिस्कवर हुई हैं या उनको रिबिल्ड किया गया है, संवारा गया है, सजाया गया है, जहां से करोड़ों रुपए रिलीजियस टूरिज्म में आ रहे हैं। होटल वाले के आ रहे हैं, नाव वाले के आ रहे हैं, प्रसाद बनाने के वाले आ रहे हैं, रिक्शे वाले के आ रहे हैं, गाड़ी चलाने वाले के आ रहे हैं। तो क्या ये वही चीज है जिसके चलते महाराष्ट्र का भी दावा है, असम का भी दावा है? दीपक जी, ऐसा है, अभी मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं, इन्होंने एक बात बोली कि अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग है तो 13 क्यों नहीं हो सकते। मैं सिर्फ इस पे छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि भगवान शिव ज्योति रूप में, मैंने कहा ज्योति रूप है उनका, तो जिस तरह से मां शक्ति के, सती के 51 खंड हुए और वो अलग अलग जगहों पर गिरे और वो शक्तिपीठ कहलाए, अमृत की
बूंदे जब हमारा समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की बूंदे चार जगहों पर गिरी जहां कुंभ लगता है। इसी तरह से भगवान शिव की वो ज्योति स्वरूप जो थे वो 12 जगहों पर अपने आप स्थापित हुए गिर करके, और जिस वजह से वो द्वादश ज्योतिर्लिंग का ही महत्व है। हम भगवान कंकर कंकर शंकर है, लेकिन ये जो स्वयंभू शिव हैं इनकी महत्ता अलग है, जिसे नासा ने भी स्वीकारा है। तो हम इनको 13 ज्योतिर्लिंग नहीं बना सकते, और जो पुराणों में उल्लेख है वो डाकिनी पर्वत का है भीमा शंकर के लिए, तो हमें उसे मानना होगा। रही बात जो इकोनॉमिकल पार्ट आपने बात की, डेफिनेटली आज मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है, और क्योंकि मंदिरों में जो भी फंड्स आते हैं उससे धर्म को बढ़ावा मिलता है, जो लोगों की श्रद्धा के लिए मंदिर के ट्रस्ट काम करते हैं, भूखों के भोजन के लिए प्रबंध किए जाते हैं, जल की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, लेकिन ज्योतिर्लिंग के नाम पर लड़ाई करना ठीक नहीं है। जो ज्योतिर्लिंग शास्त्र के हिसाब से जहां स्थित है उनकी मान्यता वही होनी चाहिए और उनकी पूजा भी वही होनी चाहिए। मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, जैसे बैजनाथ धाम है उसको लेकर महाराष्ट्र का भी, महाराष्ट्र में भी चर्चा है, हिमाचल में भी है, अब द्वारका इसको लेकर महाराष्ट्र में भी चर्चा है, उत्तराखंड में भी है, इसको लेकर उत्तराखंड में भी है, भीमाशंकर को लेकर महाराष्ट्र में भी है, ओंकारेश्वर को लेकर ओंकारेश्वर के अंदर ही दो जगह है, और अब घृणेश्वर को लेकर सवाई माधोपुर में भी है, एलोरा की गुफाओं में भी है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये अलग अलग आस्थाएं और ये अलग अलग मान्यताएं किस आधार पर बन जाती है। देखिए जैसे हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसके अलावा उप द्वादश ज्योतिर्लिंग भी है, जैसे 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद है, 4 उप वेद है, और जिस तरह से हमारे 4 मेन पीठ हैं उसी तरह से उपपीठ भी हैं। तो ये रचना पहले से इसी तरह से चली आ रही है। अब रही बात जो अलग अलग नामों को लेकर के, अब मान लीजिए मैं आज एक स्थापना कर दूं और उनका नाम विश्वनाथ रख दूं यहाँ पर हिमाचल में, और आज के 200 साल बाद डेफिनेटली उसको लेकर के विवाद होगा। तो इस तरह से भाव से किसी ने अगर एक स्थापना की है और नाम वही रख दिया है, क्योंकि जो भगवान के नाम है हम उन्हीं नामों पर भगवान के लिंग को भी नाम देते हैं जब उनकी स्थापना की जाती है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं पर मुझे लगता है ये विवाद वही है। लेकिन हमें पुराणों और शास्त्रों का सहारा लेते हुए उनमें जो उल्लेख मिलता है उसके आधार पर निश्चित सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है। ठीक है, तो हम तो भगवान भोले शंकर को मानते हैं, हमारे लिए तो भोले शंकर हर जगह है। तो मुझे लगता है कि चलते चलते हम सब लोगों को एक एक कमेंट में सबसे लेना चाहूंगा, और मैं आखिरी में माँ शिवानी दुर्गा से बात करूंगा। शिवानी दुर्गा जी शंख भी बजा रही है माँ शिवानी दुर्गा, मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन रत्ना जी ये झगड़ा छोड़ देना चाहिए, और मैं ब्रजमोहन जी को भी कहूंगा, आनंद जी को भी कहूंगा, प्रमोद जी को भी कहूंगा, और वोरा जी तो बहुत अच्छी बात करते हैं। तो भाई हमारे यहाँ तो कंकर कंकर शंकर है, तो भोले शंकर हर जगह, चाहे असम में, चाहे महाराष्ट्र में, उज्जैन में भी है, महाकाल, मतलब क्या कहेंगी रत्ना जी? मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं बोल लूं? हाँ, पहले रत्ना जी से एक एक करके सब बोलते हैं जिस ऑर्डर में स्क्रीन पे बैठे हुए। चौरसिया जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमने तो राजनीति की ही नहीं है, कभी नहीं करेंगे, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम बहुत, हमारे पास कोई औकात ही नहीं, हिम्मत ही नहीं कि भगवान शिव या राम पे हम करेंगे। राम जी हर लोगों की नैया पार कराते हैं, शिव जी हम लोगों को बचाते हैं। मैं तो चाहूंगी कि हर कोई शिव की पूजा करे, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरे भारत में होता है, शिवरात्रि तो आ रही है, बम बम बोले, पूरा बम बम बोलेमय हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड। तो मैं कहूंगी कि हर कोई शिव की पूजा करे, अर्चना करे, जितना ज्यादा हो उतना करे। हम राजनीति नहीं करते, हम इतने ओछे नहीं है कि भगवान के नाम पे राजनीति करेंगे। और एक मैं बात कहना चाहूंगी, जब जब छोटा वक्त कम है मेरे पास, ब्रह्मोहन जी के पास जाऊंगा, फिर कभी अच्छा बोलती है, राजनीति की है, उनकी अस्तित्व खत्म हो चुकी है। ब्रह्मोहन जी ब्रजमोहन जी, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान भोले शंकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कंकर कंकर शंकर, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर? बिल्कुल, मैंने तो दीपक जी सबसे पहले इस बात को कहा कि इस पर राजनीति करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसकी शुरुआत आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी ने की है। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, रामचरित मानस में उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में एक जो चौपाई है, उपजई पंथ अनेक अनेका, वो कहते हैं कि कलयुग में
बहुत सारे पंच पैदा होंगे, इस प्रकार से बहुत सारे और धार्मिक स्थल भी सामने आएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक कलयुगी पार्टी है, कहीं पर भी वो शिवलिंग पैदा कर सकती है, कहीं पर भी वो दूध पिला सकती है, कहीं भी वो मंदिर खड़े कर सकती है। चलिए हम अब आरोप प्रत्यारोप ना करें, हम भगवान भोले शंकर का नाम लेके बिना आरोप प्रत्यारोप के इसको खत्म करना चाहते हैं। वोरा साहब क्या कहेंगे आप हमारी भक्ति पर, हमारी आस्था पर, हमारी परंपराओं पर, सनातन पर, क्योंकि आज यही मुद्दा है बहस का। आनंद दुबे जी का मेरा एक बात खटक रहा है। आनंद दुबे जी ने कहा कि मैं अपना भगवान को लेके नहीं जाने दूंगा। मैं आनंद दुबे जी को यही बोलूंगा कि भगवान तो हर जगह में है, और हम कौन होते हैं कि भगवान का एक जगह पे रुकने वाला, हम तो कहीं पे उसको लॉक करके नहीं रख सकते। वो भी झूठी लिंग है, झूठी समान है, वो तो झूठी है, सूर्य की तरह झूठी है, हर कहीं पे वो फैलना ही है। तो ऐसा कृपया मौत बोलिएगा कि हम नहीं ले जाने देंगे हमारे भगवान को। और जो मैं 13वां बात बोला था, ताकि अगर ये विवाद अगर है तो विवाद को सुलझाना चाहिए, भगवान हर किसी का है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बोल दूं कि माँ कामाख्या जो है असम में, और असम में और अलग अलग दो जगहों पे माँ कामाख्या की मंदिर है। एक तो आप सभी को पता है कि जो नीलासल पहाड़ में है, और एक सीलघाट बोल के है, और एक अभी मेघालय में है जो गारू हिल्स बोलते हैं, वहां पे भी माँ कामाख्या का है। तो ये अलग अलग दिशाओं में है, हर अलग अलग आस्थाओं में है हर सभी का। तो ये इसको लेके हमें विवाद नहीं करना चाहिए, हमें विवाद पे नहीं आना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और भगवान शिवानी दुर्गा जी कंक्लूडिंग कमेंट आपका कहीं पे भी हो। जी 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 सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। तो भगवान का नाम लें आप लोग, वो मोक्ष प्रदायक हैं। प्लीज मेरा आपसे सभी से करबद्ध निवेदन है कि इसको प्लीज बहस का मुद्दा ना बनाएं। भगवान शिव बहुत भोले हैं और वो रुद्र भी हैं। शिवरात्रि है परसों, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा भगवान भोले शंकर पर कोई झगड़ा ना हो। भगवान भोले हैं, शंकर हैं, रुद्र भी हैं, त्रिनेत्र उनका खुल जाता है तो प्रलय आ जाती है। लेकिन एक ज्योतिर्लिंग महाकाल भी है, और महाकाल के बारे में कहा जाता है कि वो काल के देवता हैं, इसीलिए महाकाल के बारे में कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। और यही भोले बाबा की महिमा है।